आज हम विश्वकोश अर्थात इंसाइक्लोपीडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो बीए ऑनर्स का कोर्स है उसमें पांचवें सेमेस्टर में यह चैप्टर शामिल है और संभवतः अन्य विश्वविद्यालयों के कोर्स में भी यह चैप्टर शामिल होगा। और सामान्य जानकारी के लिए भी आपको जानना चाहिए कि विश्वकोश क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के अमेरिकन और इंग्लिश दोनों स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक स्पेलिंग लिया हुआ है ENCYCLOPIEDIA। कुछ किताबों में PEDIA भी लिखा हुआ मिलता है। इसे कहते हैं विश्वकोश, जो आम शब्दकोश से अलग होता है। इसको हम इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न प्रायः परीक्षा में आता है और इसका उत्तर आप इन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इसके बाद लिखते हैं विश्वकोशों का इतिहास, इनकी हिस्ट्री क्या है, कब से यह शुरू हुआ, कब पहली बार बनाया गया विश्वकोश, इसका निर्माण पहली बार कब हुआ। फिर विश्वकोशों की परिभाषा एवं विस्तार क्षेत्र, इसका कैसे डिफाइन करेंगे और इसका कहां कहां तक फैलाव है, विस्तार है। विश्वकोशों के प्रकार, विश्वकोश कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है। फिर विश्वकोशों की उपयोगिता तथा महत्व और अंत में निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, या जो परीक्षा में जब आप उत्तर लिखते हैं तो यहाँ ये प्रस्तावना जो शब्द मैंने लिखा है इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं रहती है, आप सीधा उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं विश्वकोश क्या होते हैं। विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया में विश्व के अनेक विषयों जैसे कि धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान आदि से संबद्ध जानकारी दी जाती है। मतलब विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया ऐसे कोश होते हैं जिनमें विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी शामिल रहती है, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया, जिसे विषय के अधिकारी विद्वानों से लिखवाया जाता है। अधिकारी विद्वान मतलब एक्सपर्ट्स, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में इंसाइक्लोपीडिया के लिए लिखते हैं। शीर्षकों को इसमें विषयानुसार न रखकर वर्णक्रम अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रखा जाता है, ताकि अध्येता किसी भी शब्द को आसानी से ढूंढ सके, यह किस विषय से संबद्ध शब्द है यह पता ना होने पर भी। मतलब जैसे कि कोई रीडर है या पाठक है, किसी शब्द का मीनिंग जानना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है कि, मतलब उसका डिटेल्स जानना चाह रहा है और उस रीडर या पाठक को यह नहीं पता है कि यह शब्द किस विषय से संबंधित है, तो इसके लिए वह इंसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश की सहायता ले सकता है। और विश्वकोश में शब्दों को विषय के आधार पर नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया जाता है, इसे कहा जाता है वर्णक्रम। मतलब अगर आपको यह ना पता हो कि यह किस विषय से संबंधित शब्द है जिसका मैं अर्थ जानना चाहता हूँ, जिसका डिटेल्स जानना चाहता हूँ, तो भी आप उसका विवरण पता कर सकते हैं अल्फाबेट के माध्यम से। विश्वकोश का महत्व भी साहित्य कोश के समान ही है, अर्थात विषयों तथा अवधारणाओं के बारे में समुचित जानकारी देना। एक साहित्य कोश होता है जिसमें विभिन्न साहित्यकारों के बारे में जानकारी दी जाती है कि इनका विभिन्न साहित्यकार, उनका जन्म कब हुआ है, उनकी रचनाएं कौन सी है, अर्थात वैसे ही विश्वकोश में भी विषयों अर्थात डिफरेंट सब्जेक्ट्स तथा अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट की भी जानकारी दी जाती है। जैसे आप बोलते हैं मार्क्सवाद क्या है तो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्वच्छंदतावाद क्या है तो पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसे भौगोलिक चीजें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके बारे में आपको उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर उनकी जानकारी मिल जाती है। किसी भी पुस्तकालय में आपको अनेक खंडों में प्रकाशित अंग्रेजी के अनेक विश्वकोश मिल जाएंगे। प्रायः जो विश्वकोश का निर्माण हुआ है, जो हमको उपलब्ध होता है, वह अंग्रेजी में ही होता है, तो किसी भी आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो अंग्रेजी के अनेक विश्वकोश अर्थात इंसाइक्लोपीडिया आपको मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ये बहुत ही फेमस है, अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया, कॉलिंस इंसाइक्लोपीडिया आदि। हिंदी में भी डॉक्टर नगेंद्र नाथ वसु द्वारा प्रस्तुत हिंदी विश्वकोश 25 खंडों में उपलब्ध है। हिंदी का जो सबसे प्रसिद्ध इंसाइक्लोपीडिया है वह डॉक्टर नगेंद्र नाथ वसु द्वारा संपादित किया गया है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसको नाम दिया गया है हिंदी विश्वकोश और यह 25 खंडों में उपलब्ध है। अब विश्वकोशों का इतिहास, विश्वकोश सबसे पहले कब बनाया गया और कैसे वो उसका जो आगे वह बढ़ते गया, प्रोग्रेस करते गया, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। विश्वकोशों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। प्रथम विश्वकोश हिस्टोरिया नेचुरलिस को तैयार करने का श्रेय प्लिनी द एल्डर को जाता है, एल्डर है एक्चुअल में, एल्डर, प्लिनी द एल्डर को दिया जाता है, जिसने
अब यहां मैं यह लिखना भूल गया हूं, आप इसको ऐड कर लीजिएगा इंटरनेट से देखकर। जिसने सन में इस विश्वकोश का संकलन किया था, संभवतः यह 71-77 ईस्वी है, 77 ईस्वी। इसको आप एक बार इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा। जिसने सन 77 ईस्वी में इस विश्वकोश का संकलन किया था, इसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, धातु शोधन, जगत विज्ञान, खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान, जादू, ललित कला आदि का विवरण संकलित किया गया था। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नेचुरल हिस्ट्री के नाम से किया गया है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट थे, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, धातु शोधन, जगत विज्ञान, खगोल शास्त्र। धातु शोधन मतलब जो मटेरियल, मटेरियल साइंस होता है, मटेरियल मतलब इसको एक अलग से साइंस होता है जिसमें धातुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी साइंस। तो जगत विज्ञान मतलब दुनिया के बारे में, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष के बारे में, आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस, जादू, ललित कला, ललित कला मतलब पेंटिंग, ड्राइंग या संगीत जो होता है, गाना बजाना, ये सब ललित कला में आते हैं। इनका विवरण संकलित किया गया था। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नेचुरल हिस्ट्री के नाम से किया गया। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसके नाम से किया गया है? नेचुरल हिस्ट्री के नाम से किया गया है। 1710 ईस्वी में विंसेनो मारिया कार्नेली ने प्रथम इटालियन विश्वकोश की रचना की थी। तो जैसे मॉडर्न समय में क्या हो गया, 1710 में मध्यकाल में विंसेनो मारिया कार्नेली ने प्रथम इटालियन विश्वकोश की रचना की थी। विश्वविख्यात विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के प्रथम संस्करण को 3 खंडों में एडिनबर्ग ने 1771 में प्रकाशित किया था। मतलब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका सबसे ज्यादा फेमस है यह एनसाइक्लोपीडिया में, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 3 खंडों में हुआ था, 3 खंड मतलब 3 वॉल्यूम्स, और एडिनबर्ग ने इसको पहली बार 1771 में प्रकाशित किया था। तो ये इसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरियाना के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1829 में किया गया, जो अमेरिका के विश्वकोशों के इतिहास में कीर्तिमान है। तो पहली बार अमेरिका में जो एनसाइक्लोपीडिया बनाया गया है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरियाना, यह 1829 में प्रकाशित किया गया था, और अमेरिका के जितने भी विश्वकोश बने होंगे उसमें इसने एक रिकॉर्ड बनाया था, कीर्तिमान बनाया था। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में प्रकाशित प्रमुख विश्वकोशों का विवरण निम्नानुसार है। पहला हिंदी विश्वकोश वाराणसी नागरिक प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया था 1960 और 70 के दशक में, 13 खंडों में यह प्रकाशित किया गया है। दूसरा है विज्ञानम तिरुवनंतपुरम बालन प्रकाशन इसके संपादक हैं, और यह 1956 से 69 के बीच में प्रकाशित हुआ था 6 वॉल्यूम्स में। मतलब एक बार में वह कंप्लीट नहीं हो पाता, कंटिन्यू इसके प्रकाशन की प्रक्रिया चलती रहती है, और 8 साल 10 साल 20 में लग जाते हैं। 6 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है, 6 वॉल्यूम्स में। इसके बाद मराठी विश्वकोश है, बंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य साहित्य मंडल ने इसे प्रकाशित किया था सन 1973 में। तो यह हमने कुछ महत्वपूर्ण देखा कि इसका इतिहास क्या है विश्वकोशों का, एनसाइक्लोपीडिया का। विश्वकोशों की परिभाषा एवं विस्तार क्षेत्र। विश्वकोश का अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे कैसे दी जा सकती है, कैसे हम इसको समझा सकते हैं, और इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों तक इंसाइक्लोपीडिया का विस्तार है। विश्वकोश का अंग्रेजी रूपांतर इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक शब्द इनकी क्लियोसपेडिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है सामान्य शिक्षा। तो यह ग्रीक शब्द से आया हुआ है, और इस शब्द का मतलब होता है सामान्य शिक्षा। इसका अर्थ ज्ञान मंडल अर्थात सर्कल ऑफ नॉलेज, अथवा ज्ञान केंद्र, अथवा विद्या का केंद्र, अथवा ज्ञान की पूर्ण प्रणाली। ज्ञान की पूर्ण प्रणाली मतलब क्या होता है? अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लर्निंग भी होता है। इसके लंबे इतिहास से यह प्रतीत होता है कि इसके अभिप्राय एवं अर्थ में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि इसका मतलब होता है ज्ञान का केंद्र, विद्या का केंद्र, ज्ञान की पूर्ण प्रणाली। लेकिन समय के साथ साथ इसके परिभाषा और इसके अर्थ और इसके अभिप्राय में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। अब विश्वकोश पद का अनुप्रयोग किसी भी एक खंडी अथवा बहुखंडीय संदर्भ कृतियों के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में जो विश्वकोश शब्द है, इंसाइक्लोपीडिया शब्द है, इसका प्रयोग चाहे या तो सिंगल वॉल्यूम में मतलब एक खंडी, या फिर मैनी वॉल्यूम्स में, एक से अधिक वॉल्यूम्स में जो किताबें, जो संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित की जाती हैं, जिन्हें हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं, उनसे इसका आशय लिया जाता है, इसका अर्थ ऐसे लिया जाता है, जिसमें प्रायः मानव ज्ञान की सभी शाखाओं अथवा किसी विषय विशेष की शाखा से संबंधित पांडित्यपूर्ण, विद्वतापूर्ण एवं प्रामाणिक लेखों को सम्मिलित किया गया हो, जो सामान्यतया वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हो, प्रत्येक आलेख के अंत में
पूर्ण ग्रंथ सूचियों, रेफरेंस बुक्स अथवा संदर्भों, रेफरेंसेस को प्रस्तुत किया गया होता है। तो वर्तमान में जितने इंसाइक्लोपीडिया बनाए जा रहे हैं उनमें ज्ञान की सभी शाखाओं, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे ललित कला हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ज्ञान की सभी शाखाएं, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सब को विद्वानों के द्वारा, जो बड़े बड़े जीनियस हैं अपने अपने फील्ड के, उनके द्वारा, उनके जो प्रामाणिक लेख होते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है और इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जमाया जाता है। और साथ में प्रत्येक आर्टिकल के बाद में क्या दिया जाता है, ग्रंथ सूची, रेफरेंस बुक्स, जहां से जो आइटम है उनको कलेक्ट करके लिया गया है, जहां से उनको संकलित किया गया है, उन किताबों के, उन रेफरेंस बुक्स का वहां पर उल्लेख किया जाता है, और जहां से भी उसको उठाया गया है, उस आइटम को, उस कंटेंट को, उसका रेफरेंस वहां पर दिया जाता है। विश्वकोशों के प्रकार, विश्वकोश कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले होता है सामान्य विश्वकोश, जनरल इंसाइक्लोपीडिया। सामान्य विश्वकोशों का उपयोग किसी भी विषय पर पृष्ठभूमि सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो इसका आप प्रयोग करते हैं। हमारे लिए अज्ञात विषयों की सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा जानकारी को ताजा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। मतलब जनरली आप सामान्य रूप से किसी विषय के बारे में, किसी शब्द के बारे में जानकारी चाहते हैं, डिटेल्स के बारे में, जैसे प्लिनी द एडलर के बारे में जानना है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। आलेखों के अंत में दी गई ग्रंथ सूची से पाठकों को संबंधित विषय का विस्तृत अध्ययन करने में सहायता मिलती है। अब जैसे कोई आर्टिकल खत्म हो गया तो नीचे में उसके कुछ रेफरेंस बुक्स का नाम दे रहता है। मतलब कई जो जिज्ञासु पाठक हैं और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, मतलब प्रारंभिक जानकारी उनको मिल गई और वो चाहते हैं डिटेल में उसका स्टडी करें, तो उसके नीचे में किताबों की सूची दी जाती है, रेफरेंस बुक्स की। किसी व्यक्ति के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि में तथा किसी सामान्य व्यक्ति को स्वयं शिक्षित करने में विश्वकोशों से सहायता मिलती है। मतलब कोई सामान्य व्यक्ति है जिसका साधारण ज्ञान है चीजों के बारे में, यदि वो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है, अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहता है, या अपने आप को खुद को एजुकेट करना चाहता है, इसको बोला जाता है सेल्फ लर्निंग, खुद के ज्ञान को बढ़ाना स्वाध्याय के द्वारा, स्वयं पढ़ के, तब वह इन विश्वकोशों का प्रयोग कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य एक सतत कड़ी का कार्य भी विश्वकोश करते हैं और इन्हें बिना किसी झिझक के प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो किताबों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना चाहता है और शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच, मतलब कि शिक्षक ने बता दिया छात्रों को कि इस किताब को आप रिफर करिए, इसको पढ़कर आइए, है ना, तो उनके मध्य भी एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। शिक्षक भी स्वयं घर से उसको पढ़कर आता है, रिफरेंस देता है कि इस इंसाइक्लोपीडिया में आप जाकर देख लें, या छात्र भी स्वयं पढ़ता है, तो इस प्रकार शिक्षक और छात्र के मध्य भी बीच यह एक कड़ी का कार्य करता है या विश्वकोश, और इन्हें बिना किसी झिझक के उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब चूंकि यह बहुत ही जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जीनियस होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो विद्वान लोग हैं अलग अलग फील्ड के, उनके द्वारा लिखा जाता है और इसमें जो जानकारियां संकलित की जाती हैं वह भी प्रामाणिक होती है, इसलिए बिना किसी झिझक के इसको आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। इनमें तथ्यों, चित्र लेखों मतलब चित्रों, तथ्यों मतलब फैक्ट्स, चित्र लेखों मतलब चित्रों, जीवन चरित्र मतलब बायोग्राफी, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक मतलब जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल दोनों प्रकार के सूचना इसमें मिल सकते हैं। इस प्रकार सामान्य विश्वकोशों में उन सभी प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान पर सम्मिलित किया गया होता है जिन्हें अन्य संदर्भ स्रोतों में पृथक पृथक पाया जाता है। मतलब सामान्य विश्वकोश क्या होते हैं, जनरल इंसाइक्लोपीडिया, मतलब जैसे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो उनका पर्टिकुलर जो डिक्शनरीज वगैरह होते हैं, जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, उन सूचनाओं को सामान्य विश्वकोश में एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे फिजिक्स की डिक्शनरी है तो फिजिक्स की पूरी जानकारी वहां मिलेगी, मैथ्स की है तो वहां पर मैथ्स की पूरी जानकारी मिलेगी, है ना, जियोग्राफी है तो पूरी जानकारी वहां मिलेगी, लेकिन जनरल इंसाइक्लोपीडिया में उन सब्जेक्ट से जानकारियों को लाकर इसे यहाँ पर एकत्रित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जीवन चरित्र मतलब बायोग्राफी भी मिल जाएगा उसमें आपको, भौगोलिक स्रोत भी मिल जाएगा, जियोग्राफिकल सोर्सेज भी मिल जाएंगे, भूचित्र वाली भी मिल जाएंगे मैप्स, जनगणना प्रतिवेदन भी मिल जाएंगे, सेंसस के जो आंकड़े होते हैं, जो रिपोर्ट्स होते हैं जनगणना के, वो भी मिल जाएंगे, गजेटियर मिल जाएंगे, गवर्नमेंट के जो गजट्स प्रकाशित होते हैं या फिर राजपत्र, हैंडबुक भी मिल जाएंगे और मैनुअल आदि भी मिल जाएंगे। मतलब सारी चीजें आपको जनरल इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट की। विश्वकोशों में बहुआयामी सूचना सुलभ होने के कारण इन्हें पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब चूंकि एक ही आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी डिटेल्स में आपको एक ही जगह मिल जाती है, इसलिए इंसाइक्लोपीडिया बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं।
अब सामान्य विश्वकोश में अंग्रेजी भाषा का जो विश्वकोश है, पर्टिकुलरली हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में उसमें क्या दिया जाता है। तो सामान्य विश्वकोश की एक कैटेगरी है सामान्य विश्वकोश अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय भाषाओं के विश्वकोशों के महत्व का संक्षिप्त वर्णन निम्नांकित रूप में किया जा सकता है। मतलब जनरली तो अंग्रेजी भाषा में तो हमको इंसाइक्लोपीडिया मिल ही जाता है, लेकिन अंग्रेजी के अतिरिक्त भी अन्य यूरोपीय भाषाओं में जैसे फ्रेंच वगैरह है ना, फ्रेंच भी यूरोपीय लैंग्वेज है, ऐसे जो अदर यूरोप के जो अदर कंट्रीज हैं उनके लैंग्वेजेस में जो होते हैं विश्वकोश अंग्रेजी के साथ साथ, उनका क्या फायदा होता है देखिए, देखते हैं क्या फायदा है। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय पुस्तकालय में विदेशी भाषा के विश्वकोशों का संकलन करने से विदेशी भाषा के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा होती है। तो जैसे कोई भारत है, जैसे कि जैसे भारत में हमारे पास इंग्लैंड का विश्वकोश है या फिर फ्रांस का विश्वकोश है ना, तो यहाँ जो पढ़ने वाले जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, अगर वो अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो इंग्लैंड के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोग जो फ्रेंच भाषा जानते हैं फ्रांस के बारे में पूरी जानकारी उनको वहाँ के इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगी, तो उन राष्ट्र को समझने में उनको बहुत सुविधा मिलती है। ऐसे विश्वकोश उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं जो अंग्रेजी भाषा में प्रवीण एवं कुशल नहीं है। मतलब जैसे विदेशी भाषाओं में, जैसे रशियन लैंग्वेज में हमारे पास विश्वकोश है या फिर फ्रेंच में हमारे पास विश्वकोश है, तो जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, जैसे कोई व्यक्ति इंग्लिश में भी फ्रांस का इंसाइक्लोपीडिया उपलब्ध है और फ्रेंच में भी फ्रांस का इंसाइक्लोपीडिया उपलब्ध है, तो जो फ्रांसीसी भाषा जानता है वह उस इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ सकता है, भले ही वह अंग्रेजी नहीं जानता है लेकिन उसको फ्रांस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि वह फ्रेंच जानता है। विदेशी भाषा सीखने वालों को इसकी आवश्यकता होती है, जो विदेशी भाषा सीखते हैं उनको भी इसकी जरूरत पड़ती है। द्विभाषी शब्द कोशिश की सहायता से इनका उपयोग कर संक्षिप्त संबंधित देश के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उस भाषा में दक्षता भी अर्जित की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति इंग्लिश जानता है वो फ्रेंच सीखना चाहता है, इंग्लिश की सहायता से वो फ्रेंच सीखेगा और इंग्लिश और फ्रेंच जो डिक्शनरी है उसकी सहायता से वह इसको समझेगा, फ्रेंच के इंसाइक्लोपीडिया को, तो इस प्रकार वह फ्रांस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें भी दक्षता प्राप्त कर सकता है। तो यह उसका महत्व है उस राष्ट्र को समझने के लिए जिसकी भाषा वह सीख रहा है, इंसाइक्लोपीडिया का प्रयोग करता है। किसी देश के निवासियों के जीवन शैली का अनुमान लगाने में भी यह प्रयोक्ताओं यूजर्स की सहायता करते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी आती है और मैं फ्रांस के व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ कि उस राष्ट्र के लोग कैसे रहते हैं, क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, मुझे अंग्रेजी भाषा आती है, तो मैं इंग्लिश में जो इंसाइक्लोपीडिया है फ्रांस की इंसाइक्लोपीडिया जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है उसको मैं पढ़ूंगा और उसको मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता चला गया कि फ्रांस के लोगों की जीवन शैली कैसी होती है। तो इस तरह हम मतलब विभिन्न देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय विश्वकोश भी होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है, विभिन्न राष्ट्रों के बारे में जानकारी होती है। ये कैसे विश्वकोश हैं? पुस्तकालयों में न केवल अंग्रेजी भाषा में अन्य राष्ट्रों के विश्वकोशों का संकलन होता है, पुस्तकालयों में न केवल अंग्रेजी भाषा में अन्य राष्ट्रों के विश्वकोशों का संकलन होता है बल्कि अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी बृहद एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विश्वकोश उपलब्ध है जो सूचना की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध एवं सूचना प्रद होते हैं। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किसी भी देश का राष्ट्रीय विश्वकोश उस देश के इतिहास, साहित्य, संस्कृति, रीति रिवाजों एवं आचार व्यवहार, त्योहारों, भौगोलिक विवरण, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति इत्यादि की प्रचुर सूचना प्रदान करते हैं। अब जो हमारे पास लाइब्रेरीज है उस लाइब्रेरी में केवल इंग्लिश में ही नहीं होता है इंसाइक्लोपीडिया, वह दूसरी भाषाओं में भी होता है, रशियन में, फ्रेंच में, जर्मन में। लेकिन अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वह भाषा हमको आनी चाहिए तभी हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इसे बोला जाता है राष्ट्रीय विश्वकोश। जैसे जर्मनी का तो जर्मन में राष्ट्रीय विश्वकोश है, रसिया है तो रूस है तो रसिया में है उसका विश्वकोश। यदि हम उन भाषाओं को जानते हैं तो उसको पढ़ के हम उस देश में रहने वाले लोगों के बारे में, उस राष्ट्र के बारे में, उस राष्ट्र के इतिहास के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके रीति रिवाज क्या है, त्यौहार क्या है, भौगोलिक विवरण इत्यादि। इसके बाद किसी देश के किसी पक्ष विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण, सटीक एवं तथ्यात्मक सूचना विदेशी राष्ट्रीय विश्वकोशों से प्राप्त होती है जो क्षेत्रीय सामान्य विश्वकोशों में उतनी मात्रा में सुलभ नहीं होती। अब क्षेत्रीय विश्वकोश जो छोटा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का होता है, जैसे छत्तीसगढ़ है तो उसमें बस्तर एक छोटा सा एरिया है उसका, तो ये क्षेत्रीय विश्वकोश हो गया। लेकिन हमको जो राष्ट्रीय विश्वकोश है उसमें हम उस राष्ट्र के बारे में सभी प्रकार के फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्यात्मक जो सूचनाएं होती हैं, बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक रूप से हमको प्राप्त हो जाती है जो कि क्षेत्रीय
और सामान्य विश्वकोशों में उत्तरी मात्रा में सुलभ नहीं हो पाती है। सामान्य विश्वकोशों में कुछ विशेष प्रकरणों, कुछ विशेष टॉपिक, जैसे कि विख्यात या महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जीवन चरित्र, मतलब जो फेमस पर्सनैलिटीज हुए हैं उनकी बायोग्राफी, तथा छोटे देशों से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भौतिक एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की सूचना या तो पूर्ण रूप में नहीं होती अथवा अत्यंत अल्प होती है, जिसे उपयोगिता अर्थात यूजर्स के सूचना की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। अब जो सामान्य विश्वकोश हैं उसमें कुछ टॉपिक जैसे होते हैं उनके बारे में हमको पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं होती, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको राष्ट्रीय विश्वकोशों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब डिटेल्स में हमको यदि जानकारी है, जानकारी चाहिए किसी को बायोग्राफी के बारे में या फिर किसी राष्ट्र के हिस्ट्री के बारे में, उनके जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, कल्चरल जो वैल्यूज हैं, सोशल जो स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में यदि हमको जानना है, तब हमको क्या करना है, राष्ट्रीय विश्वकोशों मतलब नेशनल इंसाइक्लोपीडिया की सहायता लेनी पड़ती है। अतः इस प्रकार की विस्तृत तथा सटीक सूचना संबंधित देश के राष्ट्रीय विश्वकोशों से ही प्राप्त की जा सकती है। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन डिटेल्स रिगार्डिंग द वेरियस कंट्रीज, रिगार्डिंग देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, रिगार्डिंग देयर सोशियो कल्चरल स्टेटस एंड स्टेट ऑफ द सोसाइटीज, देन वी हैव टू रिफर नेशनल इंसाइक्लोपीडिया इन प्लेस ऑफ रीजनल इंसाइक्लोपीडिया। सो आई थिंक दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज एंड देयर यूजेस। विशिष्ट विषय विश्वकोश, विशिष्ट विषय मीन्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट मीन दो इंसाइक्लोपीडियाज विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। यह एक सामान्य तथ्य है कि पुस्तकालय के संदर्भ कर्मियों के पास विशिष्ट विषयों, प्रकरणों, तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठकगण आते हैं। अब तो पुस्तकालय का सिर्फ इसका स्रोत नहीं होता कि हम सिर्फ किताबों को वहां जाकर पढ़ेंगे इशू कराकर, वास्तव में वहां पर बहुत सारे जो विद्वान जो रिसर्च करते रहते हैं, जो अनुसंधान करते रहते हैं, वे भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ पर आते हैं, लाइब्रेरी में आते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए विषय विश्वकोशों को ही उपयोग में लाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की विषय विश्वकोश, जैसे भौतिकी है तो भौतिकी से संबंधित होगा, या फिर साइंस वो है जैसे मेडिकल साइंस है तो मेडिकल साइंस का विश्वकोश होगा, इसको उपयोग में लाना पड़ता है, जो इनके लिए प्रमुख सूचना स्रोत का कार्य करता है, मतलब इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में ये काम करते हैं। प्रायः पाठकगण किसी विषय विशेष पर कुछ विवरण अथवा उस विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में आते हैं। वे कभी कभी मात्र विषयों के डेटा अथवा तथ्यों को ही प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि संबंधित विषय अथवा प्रकरण टॉपिक की पूर्ण एवं सुव्यवस्थित सूचना अनुसंधान के उद्देश्य से प्राप्त करने आते हैं। इनमें दो जो आर रिसर्च स्कॉलर्स एंड दे वांट टू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन दे कम टू द लाइब्रेरी टू गेट द वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट मीन्स व्हेन समटाइम्स इट हैपेंस दैट द डेटा एंड द फैक्ट्स आर नॉट सफिशियंट फॉर देयर रिसर्च वर्क, सो दैट्स व्हाई दे कम टू द लाइब्रेरी एंड दे रिफर टू द वेरियस बुक्स एंड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन डिटेल टू कंप्लीट देयर रिसर्च वर्क। तो आप समझ गए होंगे, समय समय पर मैं आपको अंग्रेजी में इसलिए बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अंग्रेजी में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो यह आपको कठिन नहीं होना चाहिए। भले ही आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं लेकिन आपका अंग्रेजी में भी बराबर कमांड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई बार यह होती है कि यह परिस्थितियां आती है कि कुछ जो छात्र होते हैं वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर हिंदी इसमें आ जाते हैं, हिंदी साहित्य में बीए ऑनर्स हिंदी साहित्य करने के लिए या फिर बीए हिंदी करने के लिए, तो कुछ चीजें उनको कठिन प्रतीत होती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको जहां भी संभावना है, जहां पर मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूं, तो वहां पर मैं प्रयास करता हूं अंग्रेजी में आपको समझाने का। और मुझे लगता है कि आपको यह प्रयास पसंद भी आता होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। पाठकों को संबंधित विषय अथवा प्रकरण, प्रकरण मतलब होता है टॉपिक, की उपयुक्त रूपरेखा मतलब आउटलाइन, उसका परिचय, उसका सुव्यवस्थित संक्षिप्त वर्णन प्राप्त करने के लिए सामान्य विश्वकोशों का ही अध्ययन करना पड़ता है। मतलब यदि आप किसी टॉपिक का खाली आउटलाइन चाह रहे हैं, सिर्फ बाहरी जानकारी चाहते हैं सुपरफिशियल किसी टॉपिक अथवा सब्जेक्ट का, तब आपको क्या करना है, सामान्य विश्वकोशों का सहायता लेते हैं, जिससे उन्हें संबंधित विषय से सुपरिचित होने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाती है। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू बिकम फैमिलियर
विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक देन यू हैव टू यूज द जनरल इंसाइक्लोपीडिया। तो इससे आपको आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाती है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको प्राप्त हो जाती है। इससे अधिक विस्तृत एवं विशिष्टीकृत क्लासिफाइड सूचना प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विषय विश्वकोश का उपयोग करना पड़ता है। सामान्य विश्वकोश के माध्यम से आप जनरल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स में उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, तब उस विषय विशेष इट मीन्स विद दैट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो विश्वकोश है इंसाइक्लोपीडिया है उसको आपको यूज करना होता है। विषय विश्वकोश विषय विशेषज्ञों के जीवन चरित्र, मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हुए हैं उनका बायोग्राफी, इनको जानने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें सम्मिलित प्रकरण बहुधा वे प्रकरण होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक लोकप्रिय नहीं होने के कारण सामान्य विश्वकोशों में समृद्ध नहीं हो पाते हैं। मतलब जो सामान्य विश्वकोश में उसमें सारी फेमस जो लोग हैं उनके बारे में दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान तो देते हैं, जैसे साइंस या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर जो लिटरेरी आर्टिस्ट हैं वो लेखक वगैरह हैं, या फिर कोई अलग फील्ड से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाते, जैसे अपने राष्ट्र में बस लोकप्रिय हैं, विदेशों में उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनके बारे में जब हमको पढ़ना है, किसी साइंटिस्ट के बारे में जैसे पढ़ना है, जैसे कोई भौतिकी का साइंटिस्ट है, फिजिक्स का, वो अपने देश में लोकप्रिय है, बाहर लोकप्रिय नहीं है, तो हम मुझे यदि भौतिकी का हम जब पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया, फिजिक्स के इंसाइक्लोपीडिया जब हम पढ़ेंगे, तब उस जो गुमनाम जैसा जो साइंटिस्ट है जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। मतलब सामान्य विस्कोस है जो जनरल विस्कोस है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया डील्स विद द फेमस पर्सनैलिटीज एंड देयर वर्क्स, बट वेन वी रिफर टू द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन वी नो एवरी डिटेल ऑफ द ऑल दोज पर्सन्स, दोज हू आर इवन नॉट फेमस इन इन द वर्ल्ड बट दे आर फेमस इन देयर ओन कंट्री ओनली। ऐसे विषय विशेषज्ञों का योगदान संबंधित विषय विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, अतः उन्हें विषय विश्वकोशों में स्थान प्रदान किया जाता है। लेकिन ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनका अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, तब उनको उस सब्जेक्ट का जो विश्वकोश है, मतलब उस जैसे सब्जेक्ट का जो इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें उनको स्थान दिया जाता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं विश्वकोशों की उपयोगिता तथा महत्व, इनका क्या यूज है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। विश्वकोश ज्ञान के भंडार होते हैं और सभी विषयों की सूचना प्रदान करते हैं। पुस्तकालय में संदर्भ सेवा प्रदान करने में विश्वकोश मेरुदंड का कार्य करते हैं। मेरुदंड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज, अर्थात यह संदर्भ कार्य एवं सेवा के मुख्य आधार होते हैं। मतलब जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वह इंसाइक्लोपीडिया को रिफर करते हैं। जिस सब्जेक्ट का वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके इंसाइक्लोपीडिया का रिफर कर रहे हैं, इसलिए यह जब पुस्तकालय में सूचना प्रदान करने के लिए हमारे रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका निभाते हैं। अधिकांश संदर्भ प्रश्नों का उत्तर इनकी सहायता से प्रदान किया जा सकता है। मतलब जो भी उनके क्वेरीज हैं, उनके रिसर्च की जो जरूरत है, उनकी पूर्ति ये इंसाइक्लोपीडिया कर देते हैं। अधिकांश पाठक संदर्भ की अन्य पुस्तकोशों और विश्वकोशों के अंतर को समझे बिना ही अन्य प्रकार की पुस्तकों को विश्वकोश मान लेते हैं। जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं वे विश्वकोश हैं, लेकिन रेफरेंस बुक्स और इंसाइक्लोपीडिया में बहुत अंतर होता है। यदि भी पुस्तकालय में संदर्भ की अनेक पुस्तकें होती हैं, तथापि पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी ऑफिसर, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम विश्वकोशों का अवलोकन करते हैं। इट मीन्स वेन एवर एनी रिसर्च स्कॉलर अप्रोचेस टू एनी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड ही वॉन्ट्स टू गेट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक, देन द लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑलवेज रिफर्स द इंसाइक्लोपीडिया फर्स्ट, देन ही रिफर्स टू द रेफरेंस बुक्स। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वह इंसाइक्लोपीडिया को देखता है, और उसके बाद वह रेफरेंस बुक को देखता है, उसके आधार पर किसी रिसर्च स्कॉलर को वह इंफॉर्मेशन देता है, सूचना प्रदान करता है। प्राचीन समय में विश्वकोशों का उपयोग समाज का ऊंचा तबका ही करता था, परंतु आजकल सभी प्रकार के सामान्य लोग भी इनका उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में विश्वकोश अधिक लोकप्रिय हैं और इनका उपयोग भी वे अधिक करते हैं। तो पहले जो समाज के जो अमीर लोग थे या फिर ऊंचे तबके के लोग थे, पढ़े लिखे लोग, वही उसका प्रयोग करते थे विश्वकोश, मतलब एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो विद्यार्थी है और जो शोधार्थी मतलब रिसर्च स्कॉलर्स, वो उनमें भी यह विश्वकोश बहुत अधिक लोकप्रिय है, अब इनका प्रयोग करते हैं। अब विश्वकोशों की उपयोगिता व महत्व को
निम्न बिंदुओं के आधार पर भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है। विश्वकोशों का अवलोकन किसी विषय की संक्षिप्त सरल एवं प्रामाणिक जानकारी एक स्थान पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक ही जगह सारी जानकारी आपको मिल जाती है, प्रामाणिक जानकारी अलग अलग सब्जेक्ट की। विश्वकोशों के अवलोकन की तब भी आवश्यकता होती है जब किसी अत्यंत सीमित विषय पर जानकारी चाहिए जिसके लिए पुस्तकालय में कोई उपलब्ध नहीं है। मतलब किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं जिसके लिए पुस्तकालय में कोई किताबें उपलब्ध नहीं है, तो आप इंसाइक्लोपीडिया देख सकते हैं। विश्वकोशों में सामान्यतः निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित, पूर्वाग्रह मतलब विदाउट एनी प्रेजुडिस सूचना प्राप्त होती है। इसमें जो सूचनाएं दी जाती है निष्पक्ष होती है। अब यानी कि कोई सूचना है मार्क्सवाद से प्रभावित होगा या फिर किसी और वाद से प्रभावित होगा, मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होगा, तो ऐसी सूचनाएं वहां पे नहीं रहती, वहां पे निष्पक्ष रहती है सूचनाएं और संबंधित विषय पर सभी दृष्टिकोणों से संक्षिप्त सूचना सामग्री प्राप्त हो जाती है। मतलब किसी का प्रभाव नहीं रहता उन पर, किसी से प्रभावित होकर इंसाइक्लोपीडिया को तैयार नहीं किया जाता किसी वाद या किसी विचारधारा से। इसमें संबंधित प्रकरण या टॉपिक या विषय के ऊपर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित सूचना सामग्री प्राप्त होती है। मतलब वेन एवर रिफर टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू विल गेट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। मतलब यदि किसी टॉपिक को आप रिफर कर रहे हैं तो वहां पर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में भी आपको सूचना प्राप्त हो जाती है। विश्वकोश बहुधा जीवन चरित्र मतलब बायोग्राफी, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित, बायोग्राफी बोला जाता है उसको, से संबंधित सूचना के प्रमुख स्रोत होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की बायोग्राफी आपको जानना है महान व्यक्तित्व की, तो विश्वकोश उसका इंसाइक्लोपीडिया प्रमुख स्रोत होता है। क्योंकि मानव जीवन चरित्र कोषों से कभी कभी सूक्ष्म तथ्यों का उल्लेख नहीं मिलता है, विषय विशेष की ऐसी तत्कालीन जानकारी पुराने संस्करणों से ही प्राप्त की जा सकती है। कभी कभी हम क्या है, किसी व्यक्ति के बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो जो इसके बारे में हमको डिटेल्स मिल नहीं पाता, तो इसके लिए हमको पुराने संस्करण देखने पड़ते हैं, ओल्ड एडिशन ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया, जो बाद के संस्करणों से हटा दी गई हो। कई बार ऐसा होता है किसी बायोग्राफी का, किसी व्यक्ति की बायोग्राफी है उसको बाद का जो संस्करण है एडिशन उसमें हटा दिया गया। अब आपको उसके बारे में जानना है तो आपको ओल्ड एडिशन को रिफर करना पड़ेगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया के 9वें एवं 11वें संस्करणों को उनके पांडित्यपूर्ण आलेखों के लिए प्रायः उद्धृत किया जाता है। इट मीन जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, तो उसके 9वें और 11वें संस्करण को, एडिशंस को पांडित्यपूर्ण आलेखों मतलब दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन रिटन बाय द जीनियस पर्संस ऑफ द सोसाइटी, दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन रिटन बाय द जीनियस एंड एक्सपर्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उनके आर्टिकल के लिए प्रायः उद्धृत किया जाता है, कोट किया जाता है। विश्वकोशों के मुख्य भागों में जिन विषयों, मुद्दों या प्रकरणों का विशेष विषय शीर्षकों के रूप में वर्णन नहीं किया गया हो, उनके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुक्रमणिका अथवा विषय सूची का अपना महत्व होता है। मतलब जैसे एक अनुक्रमणिका दिया जाता है पीछे में, और मुख्य भाग में जिनका उल्लेख नहीं होता है ना, उनके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए विषय सूची दी जाती है पीछे में अनुक्रमणिका, इसका भी एक अपना महत्व होता है। इनक्लोजर्स होते हैं उसमें। विश्वकोश में चित्रलेखों मतलब पिक्चर्स, डायग्राम एन एवं मानचित्र, मानचित्र मतलब मैप्स का भी अत्यधिक महत्व होता है। रंगीन प्लेटों, चित्रों, श्वेत शाम छाया चित्रों एवं रेखांकित आकृतियों में विश्वकोशों के सौष्ठव और सुरुचिपूर्णता में तो निखार आता ही है, संबंधित प्रकरण के वर्णन एवं प्रस्तुतिकरण को समझने में भी इनसे सहायता मिलती है। इट मीन जो इंसाइक्लोपीडिया, उसमें मैप्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड, विभिन्न प्रकार के उसमें रेखाएं बनी होती है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या फिर विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स बने होते हैं। इससे क्या होता है, वे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं हमको और उनमें निखार आता है, और इसे संबंधित टॉपिक्स जो होते हैं, संबंधित सब्जेक्ट को समझने में हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और हम उसको पढ़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ये इसका उपयोग। इसके बाद इसको आप अपने शब्दों में लिख लें, बहुत ज्यादा आप शब्द कठिन लग रहे हैं उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके तो आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। विषय के पांडित्यपूर्ण, ये तो मैं समझाने के लिए स्टैंडर्ड किताबों से लिया हुआ हूँ, तो मैं साहित्यिक भाषा का प्रयोग करता हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द मैटर्स इन सिंपल हिंदी एंड सिंपल इंग्लिश। विषय के पांडित्यपूर्ण एवं प्रामाणिक विवरण को विश्वकोशों के संपादक अधिक महत्व देते हैं, इस तथ्य पर संदेह किए बिना कि विश्वकोशीय कृतियों पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्येक विवरण को संशयात्मक मानना चाहिए और उसकी पुष्टि करे उसे स्वीकार करना चाहिए। तो जो संपादक होते हैं वे क्या है, जो भी आर्टिकल उनको मिलते हैं एक्सपर्ट के, उनको प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन वास्तव में जो संपादक है उनको थोड़ा देखना भी चाहिए कि जिन स्रोतों से उन्होंने लिख के दिया है आर्टिकल या लेख वे वास्तव में प्रमाणिक है कि नहीं, क्या उसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो यह मतलब जो विश्वकोशों के जो संपादक होते हैं उनको एक्सपर्ट ने जो लिख कर दे दिया उसको उन्होंने कंपाइल कर लेते हैं, ज्यादा उस पर छानबीन या डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार उनको पुष्टि कर लेनी चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि सही है कि नहीं इंफॉर्मेशन। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मानव जाति द्वारा उत्पादित सर्वोत्तम विचारों एवं जटिलतम ज्ञान को जानने और समझने के लिए विश्वकोश ज्ञान जगत के प्रवेश द्वार का कार्य करते हैं। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू लर्न द नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, इफ यू वॉन्ट टू रीच, इफ यू वॉन्ट टू अवेल द नॉलेज एंड इन्वेंशन एंड गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, देन दीज इंसाइक्लोपीडिया प्लेस द रोल ऑफ द विंडो ऑफ द नॉलेज। मतलब विश्वकोश क्या है, ज्ञान के जगत को देखने की एक खिड़की है। मतलब दुनिया में जितने भी ज्ञान बिखरे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको अगर आपको जानना है तो आप इंसाइक्लोपीडिया के माध्यम से जान सकते हैं। जैसा कि ग्रोगर ने स्पष्ट किया है कि न्यू ब्रिटानिका की रचना में 4,300 विद्वानों एवं विशेषज्ञों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं जैसे मिल्टन फ्रिडमैन और लिनस पॉलिंग की सेवाओं का उपयोग किया गया था। आप देख सकते हैं कितने महान लोग इससे जुड़े हुए थे। न्यू ब्रिटानिका की जब रचना किए तो 4,300 विद्वान लोगों ने मिलजुल कर उसको बनाया था। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, विश्वकोशों के लंबे इतिहास से यह प्रतीत होता है कि इसके अभिप्राय एवं अर्थ में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। तो एक चीज और बता दूं, ऊपर मैंने सबसे पहले पीमी द एडलर की जो नेचुरल हिस्टोरी का नाम का जो उनका वो है वो कब प्रकाशित हुआ था पहली बार, तो यह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो वहां पर मैं छूट गया था, तो नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा वहां पर जाकर आप देख लेना ईयर को, तो आपकी वहां पर गलती क्या है सुधर जाएगी, उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, नीचे देख लीजिएगा। निष्कर्ष, विश्वकोशों के लंबे इतिहास से यह प्रतीत होता है कि इसके अभिप्राय एवं अर्थ में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। मतलब पहले विश्वकोश का अर्थ कुछ और लगाया जाता था, वर्तमान में विश्वकोश का अर्थ कुछ और है। अब विश्वकोश पद का अनुप्रयोग किसी भी एक खंडी मतलब वन वॉल्यूम अथवा बहुखंडी मतलब मोर देन वन वॉल्यूम में जो प्रकाशित होते हैं संदर्भ कृतियों रेफरेंस बुक्स के लिए किया जाता है, जिसमें प्रायः मानव ज्ञान की सभी शाखाओं अथवा किसी विषय विशेष की शाखा से संबंधित पांडित्यपूर्ण एवं प्रामाणिक आलेखों को सम्मिलित किया गया हो और जो सामान्यतया वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हो। इट मीन्स टुडे द वर्ड एनसाइक्लोपीडिया रिफर्स टू दोज रेफरेंस बुक्स व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड इन वन और मोर वॉल्यूम्स एंड वेयर द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव बीन कलेक्टेड एंड हैव बीन अरेंज इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स एंड दीज आर्टिकल्स हैव बीन रिटन बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ द वेरियस फील्ड्स ऑफ आवर सोसाइटी दोज हू आर नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया जाता है। सामान्य एवं विशिष्ट विश्वकोशों के विस्तार क्षेत्र एवं व्यापकता में अंतर स्पष्ट है। सामान्य विश्वकोश लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड ज्ञान हमको चाहिए तो हम सामान्य विश्वकोश का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट विश्वकोश में उन्हीं टॉपिक्स का डिटेल में हमको जानकारी मिल जाती है, तो इनमें अंतर स्पष्ट है। सामान्य विश्वकोशों में जिन आलेखों का संकलन किया गया होता है वे ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं। वे विषयों अथवा नामों के अनुसार वर्णानुक्रमिक रूप में अथवा वर्गीकृत क्रमानुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। जनरल इंसाइक्लोपीडिया में नॉलेज के जितने भी ब्रांचेज हैं उनके संबंध में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है और वे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं नाम हैं उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको जमाया जाता है। इनका उद्देश्य सामान्य पाठकों के लिए वांछित सूचना प्रदान करना होता है। सामान्य विश्वकोश में जो सामान्य पाठक है जो सामान्य जानकारी चाहता है उसको इन विश्वकोशों की सहायता से उनको लाभ मिल जाता है। सामान्य विश्वकोशों को अद्यतन रखने के लिए इट मीन्स टू कीप द एनसाइक्लोपीडिया अपडेटेड, सामान्य विश्वकोशों को अद्यतन रखने के लिए इनके पूरक खंडों के प्रकाशन की भी प्रथा प्रचलित है। मतलब एक बार आपने विश्वकोश बना लिया अब उसमें कुछ नई बात जोड़नी है तो उसमें सप्लीमेंट्री एडिशंस भी आते हैं, तो उसके क्या होंगे सप्लीमेंट्री एडिशंस बाद में आते हैं जिसमें नई चीज जोड़ी जाती है, लेकिन समय समय पर इनके संशोधित संस्करण का प्रकाशन भी किया जाता है, लेकिन समय समय पर उनके उनको चेंज भी कर दिया जाता है, संशोधित कर दिया जाता है ना, रिफॉर्म कर दिया जाता है उसको और नया संस्करण भी आ जाता है जिसमें उन सभी बातों को जोड़ दिया जाता है। प्रामाणिक एवं व्यापक सामान्य विश्वकोशों का प्रकाशन करना कठिन होता है क्योंकि यह अत्यंत खर्चीला एवं बृहत कार्य होता है।
किसी भी विश्व कोश का बिल्कुल प्रामाणिक है या फिर व्यापक है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह कार्य बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है, बहुत बड़े रिसोर्सेज में जाना पड़ता है। इसके विपरीत विशिष्ट अथवा विषय विश्व कोश उन आलेखों के संकलन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट विषय तक ही सीमित होते हैं। विषय के विश्व कोश होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, वे भी प्राय विषय अनुसार अथवा नामों के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया आर ऑलवेज अरेंज इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन विश्वकोशों का लक्ष्य एवं अभिकल्प, अभिकल्प मतलब डिजाइन, विषय विशेष के विशेषज्ञों की अभिरुचि मतलब विशेष रुचि एवं आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो जब विशिष्ट विषय के जो विश्वकोश होते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, वो क्या है, उस विषय से संबंधित जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, जो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होते हैं। लगभग सभी विषयों में इनका प्रकाशन पर्याप्त संख्या में किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण सभी विषयों के साहित्य में नित्य प्रति अपार वृद्धि का होना है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें नए नए ज्ञान के ज्ञान ज्ञानवर्धन हो रहा है, लोग ज्ञान का विकास कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, इसीलिए नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं लोगों के दिमाग में, तो इसीलिए इनका प्रकाशन पर्याप्त संख्या में किया जा रहा है और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। 19वीं सदी में कुछ सीमित विषयों के लिए सीमित संख्या में विषय विश्वकोश हुआ करते थे, लेकिन अब विषय विश्वकोश प्रायः सभी विषयों में उपलब्ध है। इट मीन्स इन द 19th सेंचुरीज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स वर अवेलेबल इन ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स, बट नाउ टूडे दे आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। और वहां पर जो प्रिनी द एडलर का जो मैं ईयर भूल गया था, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर देख लें, उस असुविधा के लिए मुझे खेद है कि मैं उसको टाइप करना भूल गया वहां पर। और यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसा लगा, और इसका जो नोट्स है उसका PDF है उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और वहां पर वो जो गलती थी प्रिनी द एडलर वाली उसके भी मैंने सुधार दिया है। इसके बाद मेरा अगला एपिसोड और आने वाला है कोर्स के संबंध में, और वह आप जरूर देखें, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह कौन सा टॉपिक है। और यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।